पुलिस अधीक्षक उभाव थाने का अकस्मात निरीक्षण के दौरान जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन वालों को फ़ोन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर ने मंगलवार की शाम उभाव थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात को चेक करने के बाद कार्यालय में अपराध रजिस्टर सहित सभी रजिस्टरों और उनके रख रखाव, उनमें अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों को भी चेक किया। एसपी ने थाना परिसर में बने बैरक, मालखाना, बंदीगृह, कंप्यूटर रूम आदि की साफ सफाई और मिशन शक्ति फेस 3 के संबंध में भी महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और महिला हेल्प डेस्क को भी चेक किया। थाने में तैनात सभी दरोगा, दीवान, मुंशी, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत कर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए और उनकी समस्याएं भी सुनी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एसपी के उभाव थाने के निरीक्षण में दिखी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर एक भी रुपया न लिया जाए, न दिया जाए कि इसकी जांच भी की। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के रजिस्टर निकाल कर जिन लोगों के वेरिफिकेशन हुए थे उन्हें फ़ोन करके इस बात की जानकारी उनसे ली। किसी ने वेरिफिकेशन के नाम पर तो उनसे पैसा नहीं लिया। इतना ही नहीं, एसपी ने थाने के पीछे भी जा करके देखा और उन सभी पुलिस वालों को कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी दशा में फरियादियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिना वजह किसी को परेशान न किया जाए। जाते जाते नवनिर्मित चौकिया मोड़ पुलिस पिकेट का भी उद्घाटन किया। इस निरीक्षण के दौरान सीओ रसड़ा शिव नारायण वैश्य व प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।